हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं कॉन्फिडेंटल रिजल्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। आप कॉन्फिडेंटल रिजल्ट कैसे ले सकते हैं और ये किसको दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। तो कल मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी जो कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो ऑटोमेटिक ही यूट्यूब के द्वारा हटा दी गई। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूँ। और बाकी अब आज तो ये आर्टिकल में भी छपा हुआ है, कहना गया अमर उजाला के आर्टिकल में। तो इन्होंने बताया है कि कॉन्फिडेंटल रिजल्ट अब विद्यार्थियों को आसानी तरीके से ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अब देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए कॉन्फिडेंटल रिजल्ट होता क्या है। इसे सीक्रेट रिजल्ट बोलते हैं, जो कि उस यूनिवर्सिटी को पता होगा जिसको आप दोगे या जिस एजेंसी को आप दोगे अपना रिजल्ट। इसमें आपके नंबर वगैरह नहीं होते, इसमें ओनली आपका पास और फेल यही मेंशन होता है, ठीक है। अब आप ये मेरी बात को समझिए कि कॉन्फिडेंटल रिजल्ट मिलता किस किस को है। देखिए, कॉन्फिडेंटल रिजल्ट के लिए आप तभी आवेदन कर सकते हो अगर आप फॉरेन कंट्री में यानी कहीं विदेश जा रहे हो, या अमेरिका, कनाडा वगैरह अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो उनके अभी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं जुलाई अगस्त में शायद। तो आप सभी को पता होगा एस एल के रिजल्ट काफ़ी लेट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे वो इंतज़ार थोड़ी करेंगे। तो वो आपसे कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंटल रिजल्ट ले आओ ताकि हमें ये भरोसा हो जाए कि आप सही में पास हो। जब आप कॉन्फिडेंटल रिजल्ट के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को आवेदन करते हो तो आवेदन के लिए आपको 500 रुपये फ़ीस, आपका एडमिट कार्ड फाइनल ईयर का, फर्स्ट और सेकेंड ईयर की मार्कशीट, प्लस आपकी जो आंसर शीट होती है जो जो जिस पे आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिया था, वो सब लेके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल करना है। ऑफलाइन जाके भी आप जमा करा सकते हो। जैसे ही आप ये सब जमा करा दोगे तो 1 से 2 हफ्तों में आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। बेसिकली ये जो रिजल्ट होता है एक लिफाफे में होता है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वही यूनिवर्सिटी या एजेंसी देखेगी जो आपसे डिमांड कर रही है। तो इसे लेने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को वजह भी बतानी पड़ेगी कि आपको क्यों लेना है, और एक लेटर भी लिखवा के लाना पड़ेगा उन एजेंसी की तरफ से, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्या जॉब के लिए भी हम, जैसे हमें कोई SSC का फॉर्म भरना हो, CGL वगैरह या अदर कोई भी, तो उसके लिए? जी नहीं, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंटल रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ एडमिशन और जॉब कैसी, अगर आपकी जॉब लग चुकी है और इंटरव्यू के समय अगर आपसे मांगा जा रहा है कि आप अपनी डिग्री लेके आइए, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर मांगा जा रहा है, तो आप कॉन्फिडेंटल रिजल्ट की मांग कर सकते हो, ठीक है। वरना आपको अपने रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, तो ही आपको अपना फॉर्म कोई भी फिल कर सकते हो। तो मुझे लगता है इसके बाद आप समझ गए होंगे कॉन्फिडेंटल रिजल्ट होता क्या है और किस किस को मिलता है। बाकी पिछले ईयर का रिकॉर्ड उठा के देखो तो कॉन्फिडेंटल रिजल्ट सिर्फ 600 लोगों ने आवेदन किया 2.5 लाख बच्चों में से। तो कहीं ना कहीं 600 ये बच्चे वो थे जिनको सही में ज़रूरत थी। अगर आप ये चाहते हो कि अगर हम भी आवेदन कर सकते तो नहीं कर सकते, आप आवेदन तभी कर सकते हो, आपके पास कोई पक्का प्रूफ होना चाहिए कि किस वजह, किस बिहाफ पे आप कॉन्फिडेंटल रिजल्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ले रहे हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिंपली आपको सिर्फ उस एजेंसी या उस यूनिवर्सिटी से एक लेटर लिखवा के लाना है, या एक एडमिशन फॉर्म लिखवा के लाना है कि वो डिमांड कर रहे हैं। जब आप वो सबमिट करोगे तो ही वो कॉन्फिडेंटल रिजल्ट आपका रिलीज करेंगे, ठीक है। बाकी आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो तो आपका जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, 1 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। बाकी धीरे धीरे अपडेट होगी, मैं आपको बताऊंगा। ये छोटी सी वीडियो थी कि कॉन्फिडेंटल रिजल्ट होता किस लिए है और किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, कैसे लिया जाता है। बाकी इसके लिए पूरा प्रोसीजर दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड पर बता रखा है। तो आप, मेरे ख्याल से तो आप अभी कुछ ना करें, क्योंकि अगर आप इग्नू में एडमिशन करने की सोचें तो भी आप कॉन्फिडेंटल रिजल्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो बाकी रेगुलर यूनिवर्सिटी में अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ से लेटर लिखवा के ले आइए और इन्हें दे दीजिए, आपको कॉन्फिडेंट रिजल्ट, आपको फीस जो भी इनका प्रोसीजर है वो आपको करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और फर्दर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।